रमनी जी, ओ रमनी जी, नमस्कार नमस्कार। अरे भाई, कार्यक्रम का समय हो गया, कहाँ है आप? बस मैं तैयारी हो रही। चलिए चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी किसान भाइयों को हम लोगों की ओर से नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले चलते हैं कृषि समाचार देखते हैं, और बहुत सारी जानकारियां तो हमारे पास है, लेकिन पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नामकुम स्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी में है प्रशिक्षण की सुविधा। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए चुने संकर किस्म। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। रांची में नामकुम प्रखंड स्थित प्रखंड उद्यान नर्सरी में डेंड्रोवियम फूल के प्रत्यक्षण के लिए पुष्प उत्पादन का रखरखाव, संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में किसानों तथा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ विपणन एवं विकसित की गई नवीनतम तकनीकों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य के किसान इस केंद्र से संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। वर्ष 2013 में खरीफ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन संतोषजनक रहा, ना इसे बहुत अच्छा कह सकते हैं ना खराब। वर्ष 2013 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 33.74 लाख टन हुआ। वर्ष 2001 से लेकर 2013 तक सबसे बढ़िया खरीफ उत्पादन 2011 और 12 में हुआ। 2011 में 57.52 लाख टन खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो 2012 में 56.44 लाख टन का उत्पादन किया गया। किसी भी फसल में अगर पीला मोज़ेक रोग लग जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। ये बहुत तेजी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। किसान इसके नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स नामक दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करे। पीला मोज़ेक एक विषाणु रोग है जिसको वायरल डिजीज कहते हैं, तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, जो जब खेत में सबसे पहले ये रोग एक या दो गाछ में, एक या दो पौधा में लगता है, तुरंत पौधा को उखाड़ करके जला देना चाहिए। यदि आप तुरंत पौधा को उखाड़ के नहीं जलाएंगे तो ये रोग बहुत जल्दी फैलती है, और देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर में एकड़ का एकड़ जमीन का पत्ता पीला हो जाता है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे, जो नज़र आते ही ये पीला पत्ता नज़र आते ही, पीला मोज़ेक नज़र आते ही, उसमें मेटासिस्टॉक्स कीटनाशक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। जो किसान सब्जी फसल बैगन की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए बैगन की संकर किस्में स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। इसकी उपज क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बैगन की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई के लिए संकर किस्मों के बीज 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें पौधों के बीच 60x60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज पाने के लिए झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल बैगन की संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, विजय या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। इनकी उपज क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लाह उत्पादन के मामले में झारखंड देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लाह की खेती में टहनियों से लाह छुड़ाना सबसे मशक्कत भरा काम है। किसान भाई इस काम को आसानी से संपन्न करने के लिए दाव एवं दावली का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 8 किलोग्राम प्रतिदिन है। खेतीबाड़ी के काम में वक्त हमेशा आपके अनुकूल नहीं होता है। एक किसान हैं जो प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने वाली हुनर की वजह से ही कामयाब हैं। कभी मौसम तो कभी कीट मकोड़े, कभी रोग व्याधि तो कभी आर्थिक तंगी, किसानों के सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देती हैं। जो किसान धैर्य, सूझबूझ,
और अपने अनुभव के साथ प्रतिकूलता का सामना करता है, वो इसका हल निकालने में भी कामयाब होता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से। टमाटर का खेती करता हूँ, उसके बाद मैं कोई बड़ा किसान नहीं हूँ, छोटा मोटा किसान हूँ, और मेरा परिवार में करीब 7-8 परिवार है, सभी लोग मिलजुल के करता हूँ। साल में वही खाने पीने तक का कमाई हो ही जाता है, 10-20 हज़ार रुपये कमाई लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई उसी से काम चल जाता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3350 रुपए से 3450 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3200 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8850 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3000 रुपए से लेकर 3100 रुपए, आलू 700 रुपए से लेकर 750 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आप कृषि से संबंधित जानकारियां ली, मौसम के मिजाज को जाना और मंडी के भाव से अवगत हुए। और अब यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी किसान भाइयों बहनों का। और किसान भाई, आज भी आपके लिए हमारे पास में कुछ खास है।
तो मास्टर जी आप ही बता दीजिए कि क्या खास जानकारी लेकर आए हम अपने किसान भाइयों के लिए। हाँ, तो गर्मा सब्जियों की जो खेती है इसकी समुचित देखभाल कैसे करें? तो किसान भाइयों जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-519। तो किसान भाइयों आपको एक बार फिर से बता दें कि आप जो भी कॉल करते हैं उसका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता और ढेर सारी जानकारी भी मिलते हैं। तो चलिए अब अपने किसान भाइयों को ली चलते हैं सीधे स्टूडियो हमारे सहयोगी गौतम के पास। धन्यवाद मास्टर जी और रमणी बहन। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी ने सुना कि आज हम गर्मी के मौसम में सब्जी फसलों की समसामयिक देखभाल के बारे में बातचीत करेंगे और धनंजय कुमार जी हमारे साथ जो सब्जी विशेषज्ञ हैं पलांडू में वो हमारे साथ हैं। नमस्कार धनंजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इसमें। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। इससे पहले कि कोई किसान भाई हमसे जुड़े हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत सारे किसान भाई फसल या तो लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, तो ऐसे में जो लगा चुके हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे अभी किसान भाई ज़्यादातर जो है लत्तीदार सब्जी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा लत्तीदार सब्जी का खेती होता है और बाज़ार में भी जो कंज्यूमर का भी प्रेफरेंस है कि लत्तीदार सब्जी का मांग ज़्यादा रहता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको लत्तीदार सब्जी गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो अभी ज़्यादातर आपको लत्तीदार सब्जियों की खेती मतलब लगा हुआ है या लग रहा है? बिल्कुल, जो किसान भाई जो लगा चुके हैं पहले उसकी बात कर सकें क्योंकि समसामयिक सब्जी फसलों की देखभाल कर रहे हैं, तो जो लत्तीदार सब्जी लगाएं इस वक्त गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आमतौर पर झारखंड में पानी की बहुत कमी होती है, तो जो किसान भाई अभी लगा चुके हैं वो क्या व्यवस्था करें, नमी किस तरह से बना करें? पहले तो है कि जैसे पानी के लिए दो तीन तरीका उनको अपनाना होगा। अगर टपकन सिंचाई विधि है, ड्रिप सिंचाई विधि है, तब तो उसमें आपको कम से कम पानी का प्रयोग होता है। जहाँ पर आप 100 लीटर पानी डालते थे वहाँ पर आपको 30 लीटर 40 लीटर पानी में हो जाता है। कम पानी में आप ज़्यादा खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाई के पास अगर पानी के साधन मतलब टपकन सिंचाई विधि नहीं है तो जो पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं तो कोशिश करें कि पानी जो दें वो नाली में दें, पूरे खेत में हम पानी दे दें, क्योंकि किसान भाई के दिमाग में बैठा हुआ है कि पूरे खेत में और जब पौधा का लत्तर में पानी जाएगा तभी हमारा फलन अच्छा होगा। वैसा नहीं है, जो जड़ वाला एरिया है जहाँ पर बीज बुआई करते हैं वह कम से कम चौड़ा हो और उसमें जब हम पानी देंगे तो पानी का बचत होगा। उसके अलावा अभी गर्मी बढ़ रहा है तो आप जैसे कि मल्चिंग करें, एक तो प्लास्टिक मल्चिंग कर सकते हैं, दूसरा है कि जो भी घास है पुआल है पत्ता है उसको अगर आप पौधा के पास रख देते हैं तो उससे जो है नमी बना हुआ रहेगा, तो कम पानी में भी आप खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपने चर्चा की टपक विधि की, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो टपक विधि का अभी उपयोग नहीं किए हैं लेकिन चूंकि पानी का स्तर घट रहा है और अब वो चूंकि फसल लगा चुके हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है टपक विधि का उपयोग? हाँ, जो फसल लगा हुआ है उसमें भी टपक सिंचाई विधि लग सकता है लेकिन पूरा फायदा जो टपक सिंचाई विधि का होगा, क्योंकि टपक सिंचाई का मतलब है कि हमको उसमें के साथ साथ खेत की तैयारी जो करते हैं, तो अभी जो हम खेती करते हैं तो गर्मी के दिनों में गड्ढा बना के करते हैं क्योंकि पानी को हम गड्ढा में डालते हैं, और जब हम टपक सिंचाई की बात करते हैं तो कोई भी मौसम हो जाड़ा गर्मी बरसात तो उसमें जो है हम मेड़ के ऊपर जो किसान भाई गाँव में जो मेड़ बोलते हैं तो राइट बेल्ट बोलते हैं कि ऊँचा जितना आपका बेड होगा मेड़ जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो अगर उस तरह से करने के लिए तो बरसात में अभी अगर आपका फसल लगा हुआ है खेत में तो टपक सिंचाई विधि लगा लें लेकिन पानी उससे दें, लेकिन उसका भरपूर फायदा जो आपको मिलेगा वो जो है अगले फसल में मिलेगा जब आप ऊंचा बेड बनाएंगे और उसमें जब बीज बुआई या रोपाई करेंगे। बिल्कुल, आपने ऊंचा बेड बनाने की चर्चा की, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, गर्मी तो अभी दो चार दिनों से शुरू हुई है, तो जो बारिश हुई थी उसका कुछ जो फसल लगा रहे थे उनका तो कुछ नुकसान हुआ, किस क्या फायदा है ऊंचा बेड? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अभी हम मतलब संयोग से आज ही एक एयरपोर्ट के पास हुंडरू गांव है और हमारा अनुसंधान केंद्र पलांडू जो है उस गांव को अडॉप्ट किया है TSP के अंदर, भारत सरकार की जनजातीय उप योजना है उसमें हम लोग किए हुए हैं। तो अभी जब शुरुआत हुआ है तो गांव में किसान जो है जैसे हम बोले कि गड्ढा बनाकर पारंपरिक ढंग से करते हैं,
तो अभी जब तेज बारिश हुआ तो पानी जो है, क्योंकि गर्मी के मौसम में उतना बारिश का आशा किसी को नहीं रहता है, लेकिन अब वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रहा है, कभी बारिश हो भी सकती है, बारिश हो गया तो हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि उनका पूरा फसल बर्बाद हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी आप लत्तीदार सब्जी लगाए हुए थे, खीरा था, कद्दू था, कोहड़ा था, सब गल गया। मतलब इतना लगातार बारिश हुआ, पानी जम गया, पानी का निकास का कोई साधन नहीं था, उसके कारण उनका फसल का नुकसान। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई टपक सिंचाई का प्रयोग करें, जिसमें कि हमको मेड़ पर करेंगे तो किसी भी मौसम में अगर बारिश ज़्यादा होगा तो हमारा फसल का नुकसान नहीं होगा, पानी का निकास बना हो रहता है। दूसरा है कि अगर आप संभव नहीं है, आपके पास टपक सिंचाई नहीं है, तो आप गड्ढा भी बनावें, तो साथ साथ पानी का निकास का भी आप बनावें। बिल्कुल। क्योंकि गर्मी में हम मान करके चलते हैं कि बारिश नहीं होगी और हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो जब भी हम फसल का तैयारी करें तो हम मान के चले कि अगर बारिश होगी तो हमारा क्या उपाय होगा, किस तरह से हम पौधा को बचाव करेंगे, तो उसके लिए जो है पानी का निकास बना करके ही तब खेती करना है, जिससे कि ताकि अचानक अगर बारिश हो जाए तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, ये तो बात हो गई नमी बनाने की, चूंकि गर्मी का मौसम है इसलिए। इसके बाद हम अगले चरण में हम बात करते हैं, वो खाद उर्वरकों की बात करते हैं। इस वक्त जो किसान भाई लगा चुके हैं फसल, वो खाद उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करें? किसान भाइयों, जैसे एक तो है कि खाद उर्वरक जब भी हम पौधा लगाते हैं या बीज बुआई करते हैं तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है जो अनुशंसित है, जैसे कि कोई भी मोटा मोटी हम अगर बात करते हैं तो एक डिसमिल में 750 ग्राम DAP और 500 ग्राम पोटास, या आप SSP के रूप में डाल रहे हैं फास्फोरस को, तो 1.5 kg SSP जो है एक डिसमिल प्रति डिसमिल के दर से जो है आप बीज बुआई या रोपाई के पहले उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप अभी नहीं किए हैं तो पहले नहीं किए हैं तो बहुत सा अभी घुलनशील खाद आ रहा है, जो बाज़ार में जल में घुलनशील खाद आ रहा है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 19-19-19 करके आता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की मात्रा रहता है। उसके अलावा आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का 12-61-0 करके आता है। तो जो किसान भाई उस समय अगर प्रयोग नहीं किए हैं तो फोलियर स्प्रे जो है पौधे के ऊपर अगर छिड़काव हम करते हैं तो छिड़काव से भी पौधा को आप जो ज़मीन में देते हैं उससे ज़्यादा ही लाभ आपको छिड़काव से मिलता है। और जो पोटास की है जो 0050 करके आ रहा है, हम लोग देखे हैं कि अगर पोटास का फल और फूल आने लगे उस समय अगर किसान उसमें छिड़काव करते हैं तो आपका फल का साइज जो है, फल की गुणवत्ता जो है, सब में सुधार हो जाता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो एक तो है कि जो नहीं किए उनके लिए, अगर जो पहले से फास्फोरस और पोटास की मात्रा किए हुए हैं तो नाइट्रोजन जो है उसको जो इस यूरिया के रूप में हम देते हैं तो यूरिया को कम से कम 3-4 भाग में, जितना भी आप मात्रा अपने खेत में डाल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको 3-4 भाग में बांट करके प्रयोग करें। और एक यूरिया को आपको अगर, जैसे कि यूरिया क्या है कि बहुत जल्दी जो है घुल जाता है, उड़ जाता है, पौधा को कम मिल पाता है, तो उसके लिए जो है कि नीम का तेल या करंज का तेल, जो करंज का तेल हमारे झारखंड में बहुत उपलब्ध है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो यूरिया में 20 ml या 20 ग्राम करंज का तेल आप मिला करके या नीम का तेल मिला करके रात भर उसको अच्छा से मिला करके रात भर छोड़ दें, और उसको अगर आप अपने पौधा के आसपास जो है 2-3 cm गड्ढा बना करके उसमें डाल करके और मिट्टी से ढक दें, तो वह जो है आपको ज़्यादा दिन तक काम करेगा और पौधा को ज़्यादा हरा भरा रखेंगे। कई बार किसान भाई खाद का जब उपयोग करते हैं तो चूंकि टपक सिंचाई की हम बात कर रहे थे और जब खाद का प्रयोग करते हैं तो इससे कोई नुकसान तो फसल को नहीं होता है, क्योंकि पानी की मात्रा कई बार कहा जाता है कि खाद का जब उपयोग करते हैं तो यूरिया वगैरह का, तो पौधा जल ना जाए, इसका बहुत भय होता है, तो ऐसे में पानी का उपयोग वो टपक विधि से सही सलामत वो रहते पौधे रहते हैं? नहीं, टपक सिंचाई विधि से क्या है कि अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया की आप बात किए, तो यूरिया जब हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो वह जलाता है। अच्छा। लेकिन यूरिया जब हम कम मात्रा में डालते हैं, जैसे कि हम 5 ग्राम यूरिया अगर 1 लीटर पानी में आप मिला करके पौधे के ऊपर आप छिड़काव करेंगे तो वह पौधे के लिए जो है लाभदायक होगा, लेकिन उसी को अगर 10 ग्राम कर देंगे तो हानिकारक होगा। बिल्कुल। दूसरा है कि टपक सिंचाई में क्या है कि खाद की मात्रा को जो भी हम मान लीजिए कोई खेत में हम 10 किलो यूरिया डालते हैं तो 10 किलो यूरिया को हम 20-25 बार में बांट करके उसको चलाएंगे तो कम रहेगा, तो उसमें कोई फसल का नुकसान नहीं होगा। और फसल को अगर हम रोज टपक सिंचाई
के माध्यम से सब मतलब कुछ खाद की मात्रा भी मिलाते हैं तो उससे हमेशा जो है पौधे का बढ़वार जो है पौधे की उपज जो है ज्यादा मिलता रहता है। और साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया कि संतुलित खाद का उपयोग करें। बिल्कुल, अब हम पौध सुरक्षा की बात करते हैं। इस वक्त जो किसान भाई लगाए हैं कुछ जो फसल लतीदार सब्जियां हो चाहे अन्य जो भी फसलें हो तो उसमें कई तरह के रोग या कीट लग सकते हैं, तो ऐसे में किसान भाई क्या करें, कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कीट लग सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम लोग लतीदार सब्जी क्योंकि जाड़े वाली जितनी भी फसल हैं फूलगोभी या बैंगन टमाटर जो अब करीब करीब समाप्त की ओर है और अभी जो है ज़्यादा संख्या में जब हमारा लतीदार सब्जी लगा हुआ है तो लतीदार सब्जी में पहला तो किसान भाई देखते हैं कि एक लाल रंग का कीट जिसको कि गाँव में भगजुगनी लोग बोलता है कि उड़ करके आता है पत्ती को खा जाता है, जैसे ही अंकुरण होता है और पत्ती को खाना शुरू कर देता है। अगर एक से दो दिन में अगर उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपका पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए जो है किसान भाई अपने घर में ही कोई बहुत ज़्यादा उसमें रासायनिक दवा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, जो राख है गोबर का या लकड़ी का उस राख को जो है उस राख में थोड़ा सा चाहे तो मिट्टी का तेल मिला दें, हल्का सा महक आ जाए, या नीम का जो तेल है उसको मिला दें। अगर ये दोनों नहीं है तो क्लोरोपाइरीफॉस करके जो दवा आती है या सेबिन नामक दवा जो है थोड़ा सा उस राख में मिला दें और उस राख को अगर पौधे के ऊपर भुरकाव करते रहें 2 से 3 दिन के अंतराल पर तो उस कीट से जो है नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। और कोई भी रासायनिक की अगर दवा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर उसमें नहीं है, थोड़ा सा जब आप डालते हैं तो भाग जाता है, उसके बाद दवा का असर खत्म होता है, फिर से हुआ करके पत्ती को छटने लगता है। बिल्कुल, ये तो बात होगी कि जब जो लगा चुके हैं फसल जो लगा रहे हैं उनके लिए क्या क्या सावधानी आप बताएंगे? जो लगा रहे हैं किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग अभी जो लगाने वाला है लत्तीदार सब्जी का बात करते हैं कि लत्तीदार सब्जी में जो लोग अभी लगा रहे हैं तो उनको दो तीन बात को ध्यान देना होगा कि जो भी अभी आप करेंगे तो आपका जब उत्पादन शुरू होगा तो करीब करीब बरसात का मौसम आ जाएगा, बरसात शुरुआत हो जाएगा, तो आपको उस तरह का ज़मीन का चुनाव करना है जहाँ पर कि पानी का निकास हो। दूसरा, आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधा को सहारा दें, क्योंकि जैसे मतलब झारखंड में क्या है कि 15-20 मई के बाद जो है प्री मानसून बारिश प्रारंभ होता है। अगर प्री मानसून बारिश प्रारंभ हो जाता है तो उस समय जो ज़मीन में आपका सब्जी लगा हुआ था उसमें नुकसान होता है। अगर हम पौधा को सहारा दे करके और ऊपर चढ़ाए हुए रहेंगे तो बारिश होगा भी तो हमारे फसल को नुकसान नहीं होगा, साथ साथ पानी का निकास करें। उसके बाद जो है जो खाद एवं उर्वरक का है उसका संतुलित प्रयोग करें, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, उसमें कोई कमी नहीं करें। ये नहीं कि होता क्या है कि DAP यूरिया का प्रयोग करते हैं, DAP के साथ यूरिया नहीं करना है, DAP के साथ पोटास को करना है। अच्छा, और हम किसान भाई को एक चीज़ और कहेंगे, जो भी लतीदार सब्जी या कोई भी सब्जी लगाए हुए हैं तो अभी जो है अपने खेत में जो है चाहे तो कोई पीला रंग का बोर्ड हो छोटा छोटा प्लास्टिक का हो टीना हो कुछ, उसको पीला पेंट कर दें या ब्लू रंग का पेंट कर दें और उसमें जो मल्टीपर्पज़ ग्रीस आता है पारदर्शी ग्रीस आता है रंगहीन जो रहता है उसको लगा दें। लगाने से क्या है कि उनके खेत में जो भी कीट है वह जो है वहाँ पर जाएगा, आकर्षित होकर के चिपक हो जाएगा। और जो किसान भाई चाहते हैं कि रेडीमेड हम करें तो बाज़ार में एक क्रॉप गार्ड करके आ रहा है जो कि 720 रुपया में 1 एकड़ के लिए जो है 50 पॉलीथीन बैग और आधा लीटर जो है उसमें जेल रहता है चिपकने वाला, उसको अगर लगा देते हैं तो हम समझते हैं कि आधा कीट जहाँ से शुरुआत करें, बीज बुआई कर दिए अंकुरण आ गया और उसी समय अगर अपने खेत में लगा देते हैं तो आधा से ज़्यादा कीट जो है बिना दवाई का नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही सार्थक उपाय आपने बताया। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगा चुके हैं इस वक्त फसल और लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस्मों के चुनाव में बहुत सारी परेशानी होती है, जो किस्म चुनाव करेंगे उसमें क्या ध्यान रखेंगे और बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त? जो दोनों प्रश्न है आपका, पहले तो बीजोपचार का बता देते हैं कि बीजोपचार बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग घर में बच्चा को टीका लगवाते हैं तो जो भी किसान भाई हैं जब हम खेती करते हैं तो हमारा बीज जो है बच्चा की तरह है और हमको उसको टीका लगवाना है, तो उसका टीका वही है कि जब हम बीज का बुआई कर रहे हैं तो उसको बीजोपचार करें, चाहे रासायनिक विधि से करें या जैविक विधि से करें। अगर रासायनिक विधि से करते हैं तो वावेस्टिंग नामक दवा जो है थोड़ा सा ले लें, जितना भाई कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा वजन करने की जरूरत नहीं है, सूखा ही मिला दें और उसको लगा दें। बीज उपचारित है भी तब पर भी उसको अपने से कर देना है। दूसरा है कि अगर हम जैविक में जा रहे हैं
तो ट्राइकोडर्मा करके एक जैविक फफूंद नाशक आ रही है जिसका कि हम उसको करेंगे, दोनों साथ में नहीं करेंगे। अगर रासायनिक कर रहे हैं तो रासायनिक करेंगे, जैविक कर रहे हैं तो जैविक करेंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं तो बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो किस्म का है, तो किस्म का चुनाव तो बहुत बड़ा, मतलब किसान भाइयों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब जगह जो किस्म है हर एक मौसम में और हर एक राज्य में एक ही किस्म सब जगह अच्छा नहीं हो सकता है। तो जैसे गर्मी है तो गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ तापमान कम है वहाँ का अगर कोई किस्म को हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा नहीं होगा। या यहाँ बारिश ज़्यादा होता है, बारिश के दिनों में बारिश ज़्यादा होता है, और कम बारिश वाला क्षेत्र का अगर कोई किस्म हम ला करके यहाँ लगाएंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ के लिए जो उपयुक्त और अनुशंसित किस्म है, जैसे कि हमारे सब्जी में या फल में हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो अनुशंसित है, किस राज्य के लिए कौन कौन अनुशंसित किस्म है सभी सब्जियों के लिए, उसका चुनाव करके और तब लगाना चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी भी जो है अपना जो है प्रदर्शन किसानों के खेत में करती है और उनको देखे कि कौन सा किस्म उनका उपयुक्त है जाड़े के लिए, गर्मी के लिए, बरसात का, और तब उसका चुनाव, यानी कि उपयुक्त जो किस्म हो उसी का उपयोग करें। जी, यह तो बात हो गई जो लतीदार सब्जियां हैं जो लगा चुके हैं और जो लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ गर्मा फसलें हैं जो किसान भाई लगाते हैं, उनके लिए आप क्या, और कौन कौन सी फसलें इस वक्त किसान भाई लगा सकते हैं? जैसे अभी तो गर्मा का बात जब हम कर रहे हैं तो गर्मा का जितना भी फसल है जो गर्मी में निकलेगा वो करीब करीब खेत में लग चुका है। अब रहा कि अब जो भी फसल का हम अभी बीज बुआई करेंगे तो अब जो है हमारा शुरुआत बरसात में होगा, तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है। जैसे कि अभी आपको किसान भाई टमाटर भी लगा रहे हैं, मतलब बीज बुआई कर रहे हैं, हरी मिर्च का भी कर रहे हैं, फूलगोभी का भी लोग गर्मा फूलगोभी है जो मई में निकलता है उसका रोपाई लोग कर रहे हैं, और लतीदार सब्जी भी जो जून के आसपास में जो हमारा तुड़ाई होगा उसका भी कर रहे हैं। तो हमारा वही है कि किस्म का एक तो चुनाव हो, बीज उपचारित हो, दूसरा है कि मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो बोलते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन जो है कि खेत का सफाई और शुरू से ही हम अगर जो आपको पीला वाला ट्रे बोलें, बीज उपचारित करना, इस सब को अगर प्रयोग करेंगे तो कम से कम होगा। एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि बहुत सा बीमारी देखने में लगता है कि बीमारी है लेकिन वो आपके मिट्टी में कमी है, तो पहला तो हमारे किसान भाई को सलाह रहेगा कि मिट्टी जांच जरूर करवाएं। अब मिट्टी जांच से उनको मालूम हो जाएगा कि उनके खेत में क्या पोषक तत्व की अधिकता है कि कमी है, और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व, हम लोग नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं, बहुत संकुचित क्षेत्र हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म पोषक अन्य विषयों पर बात ही नहीं करते हैं, बोरोन मोलिब्डेनियम ये सब इसकी बात ही नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और उसमें भी बोरन का जो है यहाँ पर बहुत कमी देखा गया है, तो बोरन का कोई भी फसल जो सब्जी का फसल है बोरन का 3 छिड़काव किसान भाई जरूर करें। जैसे कि अभी लतीदार सब्जी लगा हुआ है, बोरन का 1 ग्राम प्रति लीटर बोरन और 5 ग्राम यूरिया मिला करके अगर 10 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करते हैं तो देखेंगे कि उसका फल का साइज भी बढ़ जा रहा है, उपज भी बढ़ जा रहा है और रोग बीमारी भी कम आ रहा है। फूलगोभी में जैसे बात करते हैं तो फूलगोभी बोरन और मोलिब्डेनम ये दोनों बहुत ज़रूरी है, अगर बोरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उनका फसल जो है शुरू में बहुत अच्छा रहेगा लेकिन जब फूल आएगा तो उसमें सड़ने का, फटने का, चावल जैसे रेशा बन जाने का वो सब आ जाता है जो कि बाद में फिर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। टमाटर के खेती में देखते हैं किसान भाई कि जैसे कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि फल के नीचे जो है सड़ने लगता है, काला धब्बा हो जाता है। अब जब आपका सड़ने लगेगा तो उस समय कोई भी दवा उसमें काम नहीं करेगा। तो कैल्शियम की कमी हमारे खेत में है तो हम चूना का प्रयोग करें, बोरन का है तो हम बोरन का प्रयोग करें, सल्फर का बहुत सा भी खाद में जो है सल्फर आ जा रहा है तो सल्फर मिल जा रहा है। उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व का पौधा पर छिड़काव करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा किसान भाइयों आपने सुना कि आप अगर पौधा लगा रहे हैं, कोई भी सब्जी फसल लगा रहे हैं, तो उसकी समसामयिक देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप समसामयिक देखभाल सही ढंग से करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। धनंजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम भी चाहेंगे आपसे इजाज़त, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार, जोहार।